आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की काव्य रचना माँ गंगी, वाचनकर्ता अमित पांडे। श्रोताओं, आचार्य जी ने यह काव्य एक बार गंगा यात्रा के समय सन 1916 में लिखा था। आरंभ करते हैं माँ गंगी। जन्म लेने के बाद जब से होश संभाला तभी से मैंने तुम्हें इस तरह सूखा देखा है। पहले तो मुझे मालूम ही न था कि तुम कभी बहुत ही हरी भरी थीं, पर जब व्यास और वाल्मीकि से जान पहचान हुई, रामायण और महाभारत से बातचीत हुई, तब उनकी जबानी पता लगा कि तुम सदा से ही ऐसी दुबली पतली, सूखी साखी और मलिन नहीं हो। वाल्मीकि कहते थे और व्यास भी उनकी हां में हां मिलाते थे कि तुम्हारी मोती जैसी उज्जवल शोभा थी, निखरा हुआ चांदी सा रंग, शंख जैसा गंभीर स्वर था और हाथी जैसी मदमाती चाल थी, नववधू जैसा प्राणोत्तेजक हास्य था, अमृत जैसा जीवन प्रद तुम्हारा रस था और माता जैसी शांति प्रद तुम्हारी थपकियां थीं। भवताप से तप्त प्राणी माया मोह से घबराकर, काम क्रोध से जर्जर होकर, संसार से ऊब कर, कहीं भी शांति न मिलने पर जब तुम्हारी गोद में आते थे तो तुम्हारे एक ही दिन के प्यार से, तुम्हारी उस वात्सल्यमय दृष्टि से ही वे मुनि हो जाते थे। तन मन आत्मा सब शीतल शुद्ध और शांतिमय बन जाती थी। तुम्हारी गोद छोड़कर कहीं जाने को जी नहीं चाहता था। तुमने अपने ही आंगन में अपनी ही आंखों के सामने उनकी कुटियां बनवा रखी थीं। तुम प्रातःकाल प्रातः श्री धारण करके उषा की लाली से अपनी मुख कांति को प्रतिबिंबित करती हुई और प्रभाती के स्वर में लोरियां गाती हुई जब उन अपने बच्चों को, हाँ बूढ़े बच्चों को जगाने उनके द्वार पर जाती, तब तुम्हारा कल कल निनाद सुनकर वे विनिद्र होकर देखते। तुम उनकी ओर उत्फुल्ल नयनों से देखती हुई मुस्कुरा रही हो, अपनी ओर बुला रही हो, तब वे तुम्हारे बालक, बूढ़े बालक अपने तपस्वीपन को भूलकर, अपनी ज्ञान गरिमा को एक ओर रखकर, अपनी सफेद दाढ़ी की परवाह न करके मोहांध की तरह, हाँ छोटे बिल्कुल छोटे बालक की तरह दौड़कर तुम्हारी गोद में जा कूदते, लोटते पोटते, ऊधम मचाते और अपनी उस बहुत दूर की अतीत बाल लीला को करते थे। और तुम भी यह भूल जाती थी कि ये मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। तुम उन्हें मल मल कर, धोकर, नहलाकर, शरीर को हरा और मन को भरा करके हंसा करती थी। आखिर तो तुम माँ थी, माँ के सामने बेटे क्या कभी बूढ़े हो सकते हैं? किंतु माँ, उस दिन मैं तुम्हारे घर गया था, कार्तिक का पर्व था, सभी जा रहे थे, मैं क्यों ना जाता। जाती बार कितनी होश थी, मन में उमंग भर रही थी, रास्ते के कष्ट क्या कहूं। रात को जंगल की कड़ी सर्दी में सिकुड़ गया, दिन को चमचमाती धूप में झुलस गया। बैलगाड़ी की सवारी थी, कच्ची धूल कीचड़ और गड्ढों से भरी सड़क थी। गले की टाल को टुल टुल करते बैल अपनी मंद गति से जा रहे थे। ऊपर सूरज तप रहा था, उसी तपते सूरज के तेज चांदने में मैं अपनी आंखें ऊंची उठाकर दूर, अति दूर, जहां के वृक्ष काले काले परछाई से दिखते थे, जहां धरती आसमान मिल गए थे, देखता हुआ मन से पूछता था, गंगी कितनी दूर है? बालिका सरस्वती ने पूछा, भैया गंगी कितनी दूर है?
बालक विजय ने कहा, भैया गंगा कितनी दूर है? मैंने कुछ मौज के स्वर में कहा, वह आ रही गंगा, वह आ रही। बालक ताली बजाकर हंसते हंसते बोल उठे, आहा जी, हम खूब लोट लोट कर नहावेंगे। सरस्वती बोली, हम चांदी की रेत में सोने का घरुआ बनाएंगे। बच्चे खेल रहे थे, उनके चेहरे धूप में लाल हो रहे थे। हमें जितना उत्साह था उतना बैलों में नहीं था। बेचारे अबोध पशु थे, वे उसी तरह एक रस धीमी गति से चल रहे थे। रास्ता कट रहा था, गाड़ी चल रही थी, सूरज ढल रहा था, धूप पीली हो रही थी, दूर के पेड़ धुंधले हो रहे थे, खेतों का रंग गहरा हो रहा था, सड़क की धूल पर पास के पेड़ों की परछाई छा रही थी। बैल थकावट में चूर झूमते हुए नथुनों से बड़ी बड़ी सांस फेंकते, मंजिल पूरी होने पर दाना और आराम की आस में हिम्मत बांधकर उस भारी गाड़ी को खींच रहे थे। गंगा अभी दूर थी। नए प्रभात की पहली किरण जब गंगी को छू रही थी, तब पहली बार मैंने उसे देखा। यद्यपि मेरी दृष्टि और उस दृश्य के बीच अभी अंतर था, मेरे चारों ओर जंगल का सन्नाटा था, खेतों और पौधों की लहर, काली वृक्षों की छाया भयावनी हो रही थी। बहुत दूर पूर्व में उजेला था, दूर पर लंबे लंबे ताड़ और एरंड के वृक्ष दिख पड़ते थे, वृक्षों पर कौवे बोल रहे थे, गाड़ी का पहिया चू चू कर रहा था, सरस्वती और विजय सो रहे थे। मैंने यकायक देखा, उन लंबे ताड़ और एरंड के वृक्षों के परे श्वेत चांदी की चादर बिछी है और उसके परे एक ज्योतिर्मयी रेखा चमक रही है। मैंने कहा, अम्मा वही ना गंगा है? अम्मा की लटें बिखर रही थीं, उन्हें एक ओर उठाकर उन्होंने कहा, यही गंगा महारानी है। उन्होंने हाथ जोड़ गदगद कंठ से कहा, गंगा मैया तुम्हारी जय हो, जय गंगे रानी। हर्ष से मेरे नेत्र फूल उठे, हृदय नाचने लगा। बैल मोटी मोटी झूल ओढ़े झूमते झूमते बढ़ रहे थे। मैंने उतावली से कहा, सरस्वती विजय उठो, गंगा आ गई। माँ ने कहा, रहने दो, सर्दी है, जरा सो लेने दो, बच्चे हैं। मैंने कहा, माँ मैं तो पैदल चलूंगा। मैं दौड़ा, वहीं उस कच्ची धूल और खड्डों से भरी सड़क पर, उसी उषा के उज्ज्वल अंधकार में, उसी मीठी सर्दी की बहार में, उसी शरद की बीतती रात में, मैं, हाँ मैं, आपे से बाहर होकर, अजीब पागल होकर, बिना जूता बाहर दौड़ा, गाड़ी से आगे, बैलों से भी तेज, बहुत तेज, मानो बैलों के धैर्य से ऊब गया था, उन्हें उत्साह से चलना सिखाने के लिए मैं दौड़ा। बैल उसी तरह स्वाभाविक गति से चल रहे थे। मैं आगे निकल गया, बहुत दूर आगे निकल गया। गाड़ी उसके पहिए का चू चू शब्द, बैलों की टाल का टुलुक टुलुक नाद पीछे रह गया। वायु सफेद हो गई थी और परछाई रंग गई थी, स्थिरता हिलने लगी थी। गाड़ी पीछे थी, मैं एक पुराने बारा के किनारे एक कुएं की कोर पर बैठा, एक बार गंग की ओर और एक बार गाड़ी की ओर देख रहा था। निकट आकर मैंने देखा, तुम्हारे कुपुत्रों ने तुम्हें धरती पर पटक रखा है और वे हट्टे कट्टे जवान लोग कोई उद्योग धंधा न करके तुम्हारी छाती पर चढ़े, बलपूर्वक तुम्हारे बुढ़ापे के सूखे स्तन निर्दयापूर्वक चूस कर तुम्हें शत विशत कर रहे हैं और तुम धूल में पड़ी छटपटा रही हो, हाय हाय कर रही हो, कह रही हो कि इन स्तनों में अब कुछ नहीं है। पर वे वहीं डटे थे। मैंने झुंझला कर पूछा, तुम कौन हो?
उन्होंने निर्लज्जता से कहा, तुम हमें नहीं जानते? जिनके तप से यह पवित्र भूमि प्रसिद्ध हुई है, गंगा माता के हम वही गंगा पुत्र हैं, लाओ कुछ भीग दो। सब मूर्ख थे, सबके वेश गुंडों जैसे थे। मैंने घृणा से मुंह फेर लिया। मैं तुम्हारा सूखा मलिन उत्साहहीन रूप देखने और रोने लगा। हाय, आज वह तुम्हारी सारी शोभा कहाँ विलीन हो गई, किस अतल पाताल में डूब गई। तुम्हारी ही गोद में ना दो दो सहस्र रणपोतों का बेड़ा सहस्रों योद्धाओं को लेकर सुदूर सागर में पहुंचता था। वह चलती फिरती विजयोल्लासित महानगरी तुम्हारी छाती पर फूल की तरह तैरती फिरती थी, और तुम हिलोरों की थपकियों से उनको प्यार करती थीं, दिला देती थीं, और उनकी उंगली पकड़कर अपने सौ काम छोड़कर आगे आगे चलकर उन्हें रास्ता बताती थीं। उत्तर प्रांतों की घनघोर उपज, करोड़ों रुपयों की संपत्ति माँ, तुम अपनी अंगिया में छिपाकर दूर देशस्थ पूर्ववासी अपने बच्चों को दौड़ कर दे जाती थीं। उनसे उसमें जो कुछ भोगा जाता था भोगते, जो चूर चार बचती पीत समुद्र और अरब सागर में फेंक देते थे। वहां यूरोप और अरब के कंगले मुंह बाए इस वितरण की प्रतीक्षा में खड़े रहते थे। जब तुम कल कल करके अपने गंभीर शरीर को लहराती हुई पर्वत से उपत्यका से मैदान, मैदान से नगर, नगर से सागर की यात्रा करती थीं, तब तुम्हें रत्ती भर भी थकान नहीं आती थी। आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं इस पार से उस पार तक हो आया, मेरी पिंडलियां भी नहीं भीगी। क्या मैं बहुत बड़ा हो गया हूं या तुम ही सूख गई हो? हाय, सूख कर कांटा हो गई हो, जगह जगह शरीर में धूल लग रही है। आज तुम मां क्यों बिलक बिलक कर धूल में लौट रही हो? तुम्हारा साफ शरीर मैला और रोगी सा हो गया है, रंग तुम्हारा श्याम पड़ गया है। प्रयाग की पुण्य भूमि में जब सबसे प्रथम चची जमुना और सरस्वती से तुम्हारा संगम हुआ था, तब की याद है? तुमने धवल नई साड़ी पहनी थी, चाची ने नीलांबर धारण किया था, और सरस्वती, सरस्वती का परिधान उसके रंग में मिल गया था। तब मुनियों के जटा जूट वीतराग शरीर तुम्हारे सुख संगम से मोहित होकर देख रहे थे। प्रोमोन्मत होकर बार बार समाधि से उठकर तुम्हारी गोद में अतृप्त भाव से तुम्हारा स्तनपान करते थे। वटुक लोग तुम्हारे गंभीर घोष की ताल पर पवित्र सामगान करते थे। मुनियों की वेदी से गगन स्पर्शी भव्य ज्योति उठकर दिगंत को आलोकित करती थी। तुम्हारे चरणों को स्पर्श करके वायुदेव यज्ञ बलि से संतुष्ट हो पृथ्वी पर नैरोग्य सुधा वर्षाता था। विष्णु भास्कर अपने प्रखर तेज को प्राणपद करता था। आज न रही तुम्हारी वह आयु, उमंग और मस्ती, न रहे वे दिन। सरस्वती देवलोक सिधारी, कृष्ण के अंतर्धान होते ही जमुना विधवा होकर वैरागिन हो गईं, एक एक करके सब सौरभ गया। रह गई एक श्रीहीन छाया, एक धुंधला प्रतिबिंब और एक वेदना की सिस्कारी। आचार्य चतुरसेन जी की काव्य रचना मां गंगी, वाचनकर्ता अमित पांडे।